श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल रविवार के दिन एकादशी तिथि पड़ रही है, यानी कि जब भी रविवार की एकादशी तिथि पड़ती है तब हम ना तो पीपल को स्पर्श कर सकते हैं, ना पीपल की पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ एकादशी के दिन ना तो हम तुलसी जी की पूजन कर सकते हैं। तो रविवार की एकादशी पर आपको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। जब भी रविवार की एकादशी आए तब आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ हल्दी के अचूक उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको करना है। जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, कई भक्त जो होते हैं वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं। हो सकता है वो सामर्थ्य नहीं हो, शारीरिक क्षमता नहीं हो, तो एकादशी के व्रत अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं, और जो एकादशी का व्रत करते हैं तो भी वो उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन का पुण्य का उपार्जन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हल्दी के महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हल्दी जो है वो सौभाग्य की वृद्धि करती है। हल्दी जो है वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करती है, भगवान विष्णु को प्रिय है, पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। हल्दी हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाती है। तो देखिए, सबसे पहला उपाय, देखिए जब भी एकादशी तिथि पड़ती है तब एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, मात्र एक चुटकी हल्दी आपको जल के पात्र के अंदर डाल करके स्नान करना चाहिए। आपके घर के हर एक व्यक्ति को ये एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। उनके जीवन में इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हर एकादशी पर ये उपाय करना चाहिए। देखिए, महीने में दो बार एकादशी आती है, तो आपको ये एकादशी का उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, अब दूसरा उपाय, रविवार की एकादशी जब भी पड़ती है जब आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। देखिए, अर्घ्य के लिए तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल भरना है। देखिए, रविवार की एकादशी पर आप लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं या तो पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना है, उसके अंदर मात्र एक चुटकी हल्दी मिलाना है। हल्दी जो है वो सौभाग्य की वृद्धि करती है, एकादशी की तिथि है। साथ में एक चुटकी कुमकुम आपको डालना है। कुमकुम जो है वो तेज की वृद्धि करती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़हल का पुष्प भी डाल सकते हैं, लाल मसूर की दाल भी डाल सकते हैं। हल्दी तो आपको डालना ही डालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने से पहले सूर्य देव को प्रणाम करें, जीवन में तेज की वृद्धि हो, जीवन में आरोग्य की प्राप्ति हो, जीवन में दसों दिशाओं में उन्नति प्राप्त हो, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके बाद सूर्य देव के 12 नाम मंत्र का जाप करना है। आपको बोलना है, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 12 मंत्र का जाप करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। 3 बार में सूर्य देव को अर्घ्य देना है, बिल्कुल पतली धारा से आपको अर्घ्य देना है। और अर्घ्य का मंत्र आपको 3 बार बोलना है, एही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयाम माम भक्त्य ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। इस मंत्र का आपको जाप करना है 3 बार, और 3 बार में पूरा जल जो है आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, आपकी जो दृष्टि होगी वो जल की धारा में होनी चाहिए। अंत में आप क्या करना, जैसे रविवार की एकादशी है, आपने जो हल्दी मिश्रित जो जल आपने भगवान सूर्य को अर्घ्य में दिया था, लोटे के अंदर कुछ ना कुछ, लोटे के अंदर थोड़ा सा जल बचा हुआ होगा, 1-2 बूंद बचा हुआ होगा, वो जो बूंद है वो आपको आपके आँखों पर, आपके कंठ पर, या तो फिर आपकी नाभि पर आपको लगा लेना है। इस उपाय को करने से शरीर के अंदर के रोग दूर होते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में तेज की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से दसों दिशाओं में उन्नति प्राप्त होती है। तो ये उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही आसान से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। और अंत में सूर्य देव को 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। और ध्यान रखिए, यदि अर्घ्य का मंत्र नहीं आता है, 12 मंत्रों का जाप नहीं आता है, तो आप ओम सूर्याय नमः का ही जाप कर लेना। देखिए, अंत में आपको सूर्य देव की 7 बार परिक्रमा करनी है ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए, और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। और इसी प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। देखिए, ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय, रविवार के दिन आप कुछ कर सके या ना कर सकें, आपको एक उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। मात्र 1 गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय आटे का दीपक होना चाहिए। उस आटे के दीपक में गोल बाती लगानी है, हो सके तो उसके अंदर घी भरना, और साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है और 1 चुटकी काले तिल लेना है।
काले तिल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको दीपक के अंदर डाल देना है, और जो हल्दी है वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको दीपक के अंदर डाल देना है, और इस दीपक को गोलबाती का ये जो दीपक है आपको तुलसी जी के समक्ष, आपको तुलसी जी के पास में रखना है। भगवान वासुदेव का यानी कि भगवान विष्णु के नाम से ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत ही सुखकारी ये दीपक होता है। इसकी दिव्य रोशनी आपके घर के ओरा को पवित्र करती है, आपके मन को पवित्र करती है, घर में रहने वाले व्यक्तियों के मन को शुद्ध करती है। तो ये दीपक भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए अब चौथा उपाय बहुत ही खास ही उपाय है। मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा एक चुटकी पीला चंदन लेना है, और साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है। देखो पीला चंदन भगवान विष्णु के निमित्त हम लगाएंगे, जो कि हमारे जीवन में सौभाग्य को बढ़ाएगा, ठीक है। और लाल चंदन जो है वो तेज के लिए है, जो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करेगा, आलस्य को दूर करेगा, और साथ ही साथ एक दैविक शक्ति हमारे जीवन में आती है जो हमें उजागर रहने की प्रेरणा देती है। बहुत आसान सा ये उपाय है। लाल चंदन, पीला चंदन और एक बेलपत्र, साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, और भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के सामने आपको बैठ जाना है। बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है वहाँ पर ऊपर वाली पत्ती पर पीला चंदन जो है, पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा शुद्ध जल डाल करके आपको पीले चंदन का लेपन ऊपर वाली पत्ती पर कर देना है, और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। ध्यान रखना पीला चंदन सुख समृद्धि बढ़ाता है, धन वैभव बढ़ाता है, और लाल चंदन तेज की प्राप्ति कराता है, यानी कि आप किसी से भी बात करें तो वो आपके ऊपर मोहित हो जाए, आपकी बात मान ले, और आप जो भी जैसे इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने में आप सक्षम नहीं है, आप कोई सी स्पीच देते हैं, स्कूल में स्पीच देते हैं या कहीं पर भी स्पीच देते हैं तो डर लगता है, या यदि आपके शरीर में एक ऊर्जा नहीं है, आपको कोई भी कार्य करने से डर लगता है, तो ये लाल चंदन आपके डरों को दूर करते हैं। ध्यान रखना आपने पीला चंदन ऊपर लगा लिया, नीचे दोनों में लाल चंदन लगा लिया। अब आपको ये जो बेलपत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। कैसे अर्पित करेंगे, जो चिकना वाला साइड है जहाँ पर आपने लाल चंदन पीला चंदन लगाया है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है, और तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। एकादशी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक रविवार की एकादशी पर विशेष ये उपाय करना चाहिए। देखिए पांचवा उपाय जो कि बहुत ही खास उपाय है, यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए करना क्या है, रात्रि में सोने से पहले आपको ये उपाय करना है। मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है, बहुत ध्यान से समझना, एक चुटकी हल्दी आपको लेना है आपकी सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली उंगली, या तो अनामिका उंगली में ले लें, या तो आप अंगूठे के पास वाली जो उंगली है जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली में भी आप ले सकते हैं। मात्र एक चुटकी हल्दी लेना, शुद्ध जल मिलाना, और उसको आपको आपकी नाभि पर लगा लेना है। नाभि पर लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार आपको जाप करना है। इस प्रकार से उपाय करने से नाभि के हिस्से में अगर आप ये हल्दी लगाते हैं तो ये आत्मा का आसन माना जाता है, आत्मा पर लगे हुए अशुभ कर्मों का क्षय करता है, साथ ही साथ आपके शरीर के रोगों को दूर करता है, आध्यात्म की ओर आपको सक्रिय करता है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से शरीर के अंदर किसी प्रकार की हलचलों को भी ये समाप्त करता है, आपका मन शुद्ध करता है, आपका शरीर शुद्ध करता है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको हल्दी के 5 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको इस शुभ तिथि पर यानी कि कल रविवार की एकादशी पर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।